हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल एंड आज हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड जितने इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करने वाले हैं ये हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम इंडियन पॉलिटीज के पॉलिटी के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं ऑलरेडी हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियोज़ बना चुकी हूँ मैं जैसे कि फंडामेंटल राइट डी पी एस पी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ठीक है यूनियन एग्जीक्यूटिव इन सब के ऊपर ऑलरेडी वीडियोज बन चुके हैं अगर आपने नहीं

जरूर से जरूर सॉल्व करने तो पहला एमसीक्यू है हमारा पहला क्वेश्चन है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट इंक्लूड और ये जो सीरीज है इसमें मैंने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे कि किस ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस करें वो क्वेश्चन आएंगे भी कि नहीं आएंगे ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं तो इस वजह से आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जो बच्चे अगले एग्जाम uh, के जैसे प्रीलिम्स के एग्जाम पे एम का है यूपीएससी का है इन सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ठीक है तो पहला क्वेश्चन है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट इंक्लूड जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो

पर्सनली रिस्पॉन्सिबल टू मतलब यूनियन कैबिनेट जो है वो पर्सनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ऑप्शन ए द राज्यसभा एंड लोकसभा ऑप्शन बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑप्शन सी द लोकसभा ओनली ऑप्शन डी द इलेक्टोरेट तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो इसका करेक्ट आंसर है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखो क्यों ऐसा पर्सनली पूछा है पर्सनली रिस्पॉन्सिबल यूनियन कैबिनेट किसके लिए होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए होती है क्यों क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको अपॉइंट करता है लेकिन अगर हम बोले क्वेश्चन में कभी ऐसा पूछे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है ठीक है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के लिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता लोकसभा होगा पर्सनली की जगह एक और वर्ड आ सकता है इंडिविजुअली ठीक है इंडिविजुअली किसके लिए रिस्पांसिबल होते हैं तो प्रेसिडेंट के लिए कलेक्टिवली रिस्पांसिबल होते हैं लोकसभा के लिए ये दोनों आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये आप जरूर याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड द यूनियन के एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है इंडिया का उसमें कौन-कौन होता है तो उसका उसमें होता है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो ए ऑप्शन है द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट वाइस एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर वाला क्वेश्चन हम प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव वाले में भी कर चुके हैं वाइस प्रेसिडेंट वाले में भी कर चुके हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है ठीक है ये याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया कौन है जो पहला फॉरेन मिनिस्टर बना था हमारी फ्री इंडिया का ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन बी गुलजारी लाल नंदा ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री एंड ऑप्शन डी जॉन मथाई ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर क्या है जवाहरलाल नेहरू ठीक है जवाहरलाल नेहरू जो थे वो हमारी इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर भी थे और वो ही हमारे पहले फॉरेन मिनिस्टर थे क्योंकि उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर का पोर्टफोलियो अपने अंडर में ले लिया था ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव एक सेकेंड देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो भी आप देख लीजिए गुलजारी लाल नंदा कौन थे ये दो बार हमारे इंडिया के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने हैं मतलब कि जब प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है उसके बाद उन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर काम किया है कब किया है एक तो 1962 में जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई थी तब ये इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने थे उसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई थी 1966 में तभी भी ये प्राइम मिनिस्टर बने थे ठीक है लाल बहादुर शास्त्री कौन थे पहले एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे ठीक है ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे फिर बाद में नाइनटीन 64 में ये प्राइम मिनिस्टर बने थे लेकिन 66 में अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई थी जॉन मथाई कौन थे जॉन मथाई जो थे ये केरल के थे और ये पहले रेलवे मिनिस्टर थे हमारी इंडिया के ठीक है तो ये सारे फैक्ट आपको जरूर याद रखने हैं जवाहरलाल नेहरू तो फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री पहले एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे और जॉन मथाई जो थे वो पहले रेलवे मिनिस्टर थे ठीक है

तो इसका होगा ठीक है क्यों ऐसा क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर का जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है फाइनेंस मिनिस्टर उसका बजट फेल हो जाता है उसका बजट फेल हो गया इसका मतलब क्या है उसकी मेजोरिटी बजट फेल होना वो लोकसभा में पास होगा लोकसभा में उसकी मेजोरिटी होगी तो बजट ऑब्वियसली पास हो जाएगा अगर बजट पास नहीं हुआ इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर का कोई भी अब मेजोरिटी सपोर्ट नहीं है तो उसको क्या करना पड़ेगा रिजाइन करना पड़ेगा और जैसे ही प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करना करेंगे वैसे ही उसकी कैबिनेट को भी रिजाइन करना पड़ेगा तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन यूनियन इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू जो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है तो ऑप्शन है ए प्रेसिडेंट ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर ऑप्शन सी राज्यसभा ऑप्शन डी लोकसभा तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है और इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होती है प्रेसिडेंट के लिए ठीक है ये दो

स्टेटमेंट है, है, है वो अपने मन से किसी को भी यूनियन कैबिनेट का मिनिस्टर नहीं बना सकता जिसको अगर प्राइम मिनिस्टर ने रिकमेंड नहीं किया है तो ये वाला स्टेटमेंट तो एकदम सही है अब क्वेश्चन क्या पूछा है विच ऑफ दिवन इज आर करेक्ट करेक्ट पूछा है तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बी ऑप्शन क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट अकेला करेक्ट है अगर यहाँ पे इनकरेक्ट या नॉट करेक्ट पूछा होता तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होता कि इनकरेक्ट कौन सा है फर्स्ट वाला है ठीक है चलिए करेक्ट इनकरेक्ट नॉट करेक्ट ये जरूर मार्क कीजिएगा तभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा नहीं तो बच्चे जो अच्छे आए हुए क्वेश्चन होते हैं ना वो भी गलत कराते हैं और उसके वजह से कट ऑफ मार्क्स से पीछे रह जाते हैं ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर एट हु वॉज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडो चाइना वॉर वॉर ऑफ ऑफ कौन कौन था था मिनिस्टर मिनिस्टर डिफेंस थे इंडो चाइना जब हुआ हमारे यहाँ पे तीन बार वॉर हुए हैं एक पहला हुआ है का इंडो चाइना वॉर फिर हुआ इंडिया पाकिस्तान का नाइनटीन सिक्सटी फाइव वॉर फिर हुआ नाइनटीन सेवेंटी वन में बांग्लादेश वाला वॉर ठीक है तो पाकिस्तान के साथ ही वॉर हुआ था उसमें जिसमें हमने बांग्लादेश को लिबरेट कराया था या अलग करवाया था ठीक है तो उस टाइम डिफेंस मिनिस्टर कौन थे जब 1962 का वॉर हुआ था तो ऑप्शंस है आर एन थापर ऑप्शन बी है गोविंद वल्लभ पंत ऑप्शन सी है कृष्ण एंड ऑप्शन डी है जगजीवन राम ठीक है तो इसका करेक्ट आप, आंसर क्या होगा कृष्ण रामन जो थे उस टाइम पे डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे ठीक है अब आ, आपको जब 1962 का बोला है तो आपको इस टाइम के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी याद होना चाहिए उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर तो हमारे कौन थे जवाहरलाल नेहरू थे ठीक है और प्रेसिडेंट कौन थे

परमानेंट बेसिस पे 1961 के बाद ठीक तो है है तो ए होम अफेयर्स ऑप्शन बी है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑप्शन सी है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑप्शन डी है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है ऑप्शन ए होम मिनिस्टर ठीक है होम मिनिस्टर ही है जो क्या करती है हर दस में सेंसस ऑर्गेनाइज कराती है 2011 में हमारा लास्ट सेंसस हुआ था उसके बाद 2021 में कोविड के चलते ये सेंसस हमारा कंडक्ट तो नहीं हो पाया है ठीक है अच्छा आपको एक और काम करना है आपको जो प्रेजेंट हमारे मिनिस्टर्स हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं कौन कौन से होम अफेयर में होम मिनिस्टर कौन है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के कौन सा कैबिनेट मिनिस्टर है Charity मिनिस्टर कौन से हैं और सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मिनिस्टर अगर आपको पता है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपको नहीं पता है तो सर्च करके लिखिए इससे आपको पता चल जाएगा कि अभी हमारे प्रेजेंट में ये सारे मिनिस्टर कौन कौन से हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर टेन

इम्पोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट हो गया था बाहर की कर, बाहर की कंपनीज जो है वो हमारे इंडिया में आके ट्रेड करने लग गई थी हमारे यहाँ कंपनियां सेटअप करने लग गई थी हमारी यहाँ की कंपनी बाहर जाके सेटअप करने लग गई थी तो ये सारा लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो किसका था मनमोहन सिंह का था ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर इलेवन विच ऑफ विच वन ऑफ दी फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद दी

की गई है आर्टिकल सेवेंटी फोर में क्या मेंशन किया गया है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए जो एड करेगी या एडवाइस देगी किसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ठीक है तो आर्टिकल सेवेंटी फोर में ये मेंशन किया गया है चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच ऑफ दी फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्ट द साइज ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री कौन से फॉलोइंग अमेंडमेंट्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं और यूनियन मिनिस्ट्री के साइज को रिस्ट्रिक्ट करते हैं मतलब कि ऐसा कौन सा अमेंडमेंट हुआ था जिसने यूनियन मिनिस्ट्री के साइज को रिस्ट्रिक्ट किया था तो ऑप्शन ए सेवेंटी अमेंडमेंट ऑप्शन बी एटी एथ अमेंडमेंट ऑप्शन सी नाइनटी अमेंडमेंट या ऑप्शन डी नाइनटी अमेंडमेंट इसका करेक्ट आंसर है नाइनटी फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था कौन से ईयर में हुआ था ये टू थाउजेंड थ्री में हुआ था वो कितना रिस्ट्रिक्ट किया था इन्होंने बोला था कि जो यूनियन मिनिस्ट्री का साइज होगा वो लेस देन इक्वल टू फिफ्टी होगा ऑफ लोकसभा सीट्स ठीक है जितनी लोकसभा सीट्स होंगी उसका फिफ्टीन से ज्यादा आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मिनिस्टर्स नहीं होने चाहिए ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट अ डिपार्टमेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है या कौन सा डिपार्टमेंट है जो एच आर डी मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता है ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ एलि एलिमेंट्री एजुकेशन एंड लिटरेसी ये तो आता है दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ये भी आता है तीसरा है डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन चौथा है डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट Technical education, जो है है वो science and technology वाले पार्ट में आता है, यहां पर नहीं आता है बाकी सारे है, तो है मिनिस्ट्री ऑफ एच आर डी का अभी चेंज करके क्या बना दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अभी हमारे मिनिस्टर कौन है तो वो है धर्मेंद्र प्रधान कौन है धर्मेंद्र प्रधान जो है वो हमारे अभी प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है अच्छा बाकी के मिनिस्टर आप मुझे बताइए जैसे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच वन ऑफ दी फॉलोइंग दोशन कैन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया मूव कौन सा मोशन है जिसको काउंसिल ऑफ इंडिया मिनिस्टर जो है वो मूव कर सकते हैं ऑप्शन ए नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑप्शन बी सेंस्योर मोशन ऑप्शन सी

नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज मतलब कि कितने लोकसभा के मेंबर जो हैं वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को टेबल कर सकते हैं किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में तो ऑप्शन ए थर्टी ऑप्शन बी फोर्टी ऑप्शन सी फिफ्टी ऑप्शन डी सिक्सटी तो मिनिमम फिफ्टी मेंबर्स जो हैं वो एग्री होने चाहिए नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करने के लिए लोकसभा में ठीक है और ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पास किया जाता है क्यों क्योंकि राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है वो तो डिसॉल्व हो ही नहीं सकता सिर्फ लोकसभा जो है वहां पे मेजॉरिटी का खेल चलता है तो वो डिसॉल्व हो सकता है तो लोकसभा को डिसॉल्व करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है जो मेजॉरिटी पार्टी अभी रूल कर रही है अगर वो मेजॉरिटी अपनी प्रूफ नहीं कर पाती है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है और उस कैबिनेट को और उस मिनिस्ट्री को रिजाइन करना होता है फिर वापस से इलेक्शंस होते हैं फिर वापस से दूसरी पार्टी क्या करती है गवर्नमेंट बनाती है जो अपनी मेजोरिटी को प्रूफ कर दे ठीक है अच्छा एक क्वेश्चन पूछती हूँ लास्ट चैप्टर में हमने क्या था प्राइम मिनिस्टर वाले में कि जो चौधरी चरण सिंह थे उनका जो टेन्योर था वो सबसे कम था तो कितना टेन्योर था उनका और उन्होंने कब Uh, कब इन्होंने uh, शपथ ली थी और कब उन्होंने रिजाइन कर दिया था अपने पीएम uh, की पोस्ट से ये मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा सिक्सटीन नंबर का क्वेश्चन द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज मतलब पहले लॉ मिनिस्टर थे वो कौन थे ऑप्शन है एम सी सितलवार ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर ऑप्शन सी कैलाश नाथ कटू एंड ऑप्शन डी रफी अहमद किदबई इसका करेक्ट आंसर है बी आर अम्बेडकर बी आर अम्बेडकर जो थे वो हमारे पहले लॉ मिनिस्टर थे और ये ही जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और ये ही वो बंदा था जिन्होंने बोला था आर्टिकल थर्टी टू जो है वो हार्ट एंड सोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल थर्टी टू क्या बताता है आर्टिकल 32 constitutional remedies की बात करता है जिसके हम fundamental right के violation के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन कैबिनेट मीन्स कैबिनेट का मतलब क्या होता है ऑप्शन ए ऑल मिनिस्टर्स इन गवर्नेंस ऑप्शन बी मिनिस्टर कैबिनेट रैंक ऑप्शन सी कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड देयर सेक्रेटरीज एंड ऑप्शन डी मिनिस्टर ऑफ दी स्टेट इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्टर्स विद द कैबिनेट रैंक ठीक है अच्छा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अभी प्रेजेंट में कितने कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स के नाम बताइए जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर कौन है होम मिनिस्टर कौन है फाइनेंस मिनिस्टर कौन है वुमेन एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है रेलवे मिनिस्टर कौन है ये सारे मिनिस्टर्स तो आपको पता होना चाहिए ठीक है अगर नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, में बताइए कि मैम नहीं मिला है तो मैं आपको कमेंट करके आंसर भी दूंगी ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर एटीन टू होम इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑप्शन ए पार्लियामेंट ऑप्शन बी प्रेसिडेंट ऑप्शन सी स्पीकर ऑफ लोकसभा ऑप्शन डी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ दी राज्य तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं लोकसभा के लिए होते हैं ठीक है चलो एमपीपीएससी प्रिलिम्स का क्वेश्चन है और या एमपीपीएससी में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और एमपीपीएससी का एग्जाम कब है नाइनटीन जून को है ठीक है अच्छा अगर जो बच्चे एम की टारगेट बना के स्ट्रैटेजी डिस्कस करना चाहते हैं या टारगेट बना के तीस दिन में ये एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो मैं एक डेली टारगेट सीरीज रन कर रही हूँ आप वो भी देख सकते हैं इससे आपका पूरा का पूरा सिलेबस गारंटीड खत्म हो जाएगा और आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी एग्जाम एग्जाम हॉल में ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दूनियन मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ज्यूरिंग द प्लेजर ऑफ मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं वो किसके प्लेजर में अपना ऑफिस होल्ड करते हैं ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर ऑप्शन सी स्पीकर ऑफ लोकसभा ऑप्शन डी चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो इसका करेक्ट आंसर क्या है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्लेजर में होल्ड करते क्यों क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो ही Minister की recommendation पे उनको करता है है तो इसलिए उनके pleasure में ये सब लोग क्या करते हैं? अपना office hold करते हैं हैं अपना देखो मिनिस्ट्री ऑफ जो सर्वे ऑफ इंडिया है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ऑप्शन ए डिफेंस ऑप्शन बी एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ऑप्शन सी होम एंड ऑप्शन डी साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो ये किसके अंदर आता है सर्वे ऑफ इंडिया आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है ये सर्वे ऑफ इंडिया का काम क्या है मैपिंग करता है ये मैपिंग करता है सर्वे करता है और ये कब स्टैब्लिश किया गया था हमारी आजादी से पहले मतलब 1767 में ही इसको स्टैब्लिश कर दिया गया था ठीक है ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है हमारे इंडिया का ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इतना पहले कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट नहीं बना था जितना पहले सर्वे ऑफ इंडिया बना देखो 1767 डेट याद रखो 1765 में क्या हुआ था 1765 में कुछ नहीं हुआ था 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था और उसके बाद ये 1767 में सर्वे ऑफ इंडिया आया था

मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में आता है और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो आजादी से पहले स्टैब्लिश किया था और किसने स्टैब्लिश किया था इसको अलेक्सेंडर कनिंगम ने स्टार्ट किया था अलेगजेंडर कनिंगम जो थे उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था आर्कियोलॉजी में ठीक है इसलिए उन्होंने स्टार्ट किया था इंडिया में आर्कियोलॉजिकली बहुत रिच था तो इस वजह से ये स्टार्ट किया गया था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू अंडर विच वन ऑफ द मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज द फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड वर्क ठीक है कौन सा मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जिसके अंदर फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड आता है ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आता है ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री हू अमंग यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुके हैं ऑप्शन ए पीपी सिंह ऑप्शन बी आर वेंकटारमन ऑप्शन सी वाई वी चमन एंड ऑप्शन डी प्रणब मुखर्जी ये चारों के चारों ही यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं इसमें से जो आर वेंकटारमण है वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं प्रणब मुखर्जी जो है वो भी क्या रह चुके हैं प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं ठीक है वीपी सिंह बीपी सिंह कौन रह चुके हैं पीएम रह चुके हैं वीपी की गवर्नमेंट बनी थी ना चलो सिलेक्ट दी करेक्ट आंसर आपको सिलेक्ट करना है बाई यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा डी ऑप्शन वन टू थ्री एंड फोर यूपीएससी का क्वेश्चन है टू थाउजेंड का चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर एसोर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है एसोर्शन है एकदम है है कि Council of जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के रीजन क्या है द मेंबर ऑफ बोध बोध दि लोकसभा एंड द राज्यसभा आर एलिजिबल टू बी द मिनिस्टर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के और राज्यसभा के वो दोनों ही एलिजिबल होते हैं यूनियन गवर्नमेंट के मिनिस्टर बनने के लिए तो ये भी करेक्ट आंसर है लेकिन जो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है रीजन ठीक है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है रीजन तो इसका बी ऑप्शन इज इज द करेक्ट करेक्ट आंसर बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट नॉट अ एक्सप्लेनेशन ऑफ ए यूपीएससी का क्वेश्चन था सेम टू थाउजेंड सेवन चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव विच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट Of that state ये बोल रहा है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जिसके थ्रू ये फिक्स किया गया था कि जो साइज होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सेंटर में या फिर साइज होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का स्टेट में वो फिफ्टीन परसेंट से ज्यादा नहीं होगा ना ही लोकसभा में ना ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में तो कौन सा अमेंडमेंट था तो नाइनटी फर्स्ट अमेंडमेंट था टू थाउजेंड थ्री का ठीक है पहला ही ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है ऑफ वन फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट

A option is the correct answer one only Question number 28 under the administration of which one of the following is the department of atomic energy kiske administration mein aata hai? department of atomic energy option A prime minister's office option B cabinet secretary ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ पावर ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसका करेक्ट आंसर है पीएमओ ऑफिस के अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऐसे इसरो पीएमओ ऑफिस के अंदर में आता है अब देखो अब देखिए इसके अलावा और कौन कौन से डिपार्टमेंट है जो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में आते हैं तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस आता है एक सेकेंड सॉरी 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 देखो पहले तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी आता है उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस आता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर में आता है और एक आता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट डिवीजन ये भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर में आता है तो ये चारों ऑफिस आपको याद रखने यूपीएससी का क्वेश्चन है तो प्रीलिम्स के स्टेट पीसीएस एग्जाम में जरूर रिपीट होगा सीडीएस के एग्जाम में भी रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं और जो भी अदर एग्जाम से एसएससी बैंकिंग रेलवे इन सब में रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं ठीक है चलिए आज के लिए ये वीडियो यही खत्म होता है सारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर से रिलेटेड जितने मैंने जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने वो पूरे रिपीट करा दिए हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट कराए जिससे आपको आइडिया हो सके कि किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होंगे ठीक है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके ठीक है अगर वीडियो पसंद आता है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इंटरेक्टिव बनाइए वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए ठीक है और इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ देखना है जैसे पॉलिटी की रिविजन सीरीज देखनी है पॉलिटी के एमसीक्यूज देखने हैं टॉपिक वाइज तो वो भी वो तो ये चल ही रहा है उसके अलावा तमिलनाडु की हिस्ट्री आपको देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं एंशंट प्लस मेडिबल दोनों मैंने अपलोड किए विथ मैप प्रैक्टिस के साथ ठीक है तो वो आपको काफी अच्छी लगेगी वो आप देख सकते हैं और अगर आप जीपीएससी एम पी एस या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो उसके लिए कैसे स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए वो वीडियो भी आप मेरे चैनल पर जा देख जाकर देख सकते हैं चैनल का नाम है सिविल सिग्नल सिविल सिग्नल नाम से मेरा फेसबुक पेज भी है वहां से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है थीके? चलिए आज के लिए इतना ही थैंक यू थैंक्स फॉर हैव अ नाइस डे